यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक अपने पूरे लाव लश्कर के साथ रामपुर पहुंचे, जहां बृजेश पाठक ने विकास भवन पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री बृजेश पाठक ने विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं कानून मंत्री के काम में धीमी गति को देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई अपराध घटित होगा तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी भी कीमत पर अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। हमने संगठित माफिया गिरोह को ध्वस्त किया है, उनके नेटवर्क को खत्म किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जिला योजना में जो भी विकास कार्य थे उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र से शीघ्र और तेजी से काम किया जाए और कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए। कानून व्यवस्था बहुत लचर है, मिशन शक्ति अभियान भी चल रहा है, उसके बावजूद भी महिलाओं, दरअसल आप जो कह रहे हैं ना, ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अपराध घटित होगा, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी भी कीमत पर अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। हमने संगठित माफिया गिरोह को ध्वस्त किया है, उनके नेटवर्क को खत्म किया है, उन पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी हमारी कड़ी नजर है। अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश से उन्हें बाहर जाना होगा या कानून का कड़ा सामना करना। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर भी कटाक्ष किया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी बुलडोजर चलवाएंगे। इस पर प्रभारी मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उनको कहो कि अभी थोड़ा वेट करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।